subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबुकतगीन का पुत्र और भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महमूद गजनबी सुबुकतगीन का पुत्र था और उसके पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वे हिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में पराजित किया। महमूद गजनबी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतेह दाहुद था। 1008 ईस्वी में वे हिंद की द्वितीय लड़ाई हुई, जिसमें दूसरे हिंदू शाही वंश के शासक आनंद पाल को महमूद गजनबी ने हराया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों को विध्वंस कर दिया था। महमूद गजनबी द्वारा किए गए सारे आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ का शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण है। उसने गुजरात के काड़ियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। महमूद गजनबी को भारतीय इतिहास में बुद्ध शिकन या फिर मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनबी के दरबार में दो इतिहास प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें से एक थे राजकवि फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी, और दूसरे थे अलबरूनी, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। Thank you.